वाह, उसे गुलाबी डोनट चाहिए। इसे पकाना काफी आसान है। ब्रायन, तुम्हें न्यूटेला खाना नहीं बल्कि डोनट बनाना है, तो फिर जल्दी शुरू हो जाओ इससे पहले कि बेबी केट फिर से रोना शुरू कर दे। तो केट को एक डोनट चाहिए। यह तो बहुत आसान है। मैं अपना सिग्नेचर ओरियो डोनट्स बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस कुकीज का पाउडर बनाना है और एक जैक हैमर इसमें मेरी मदद करेगा। अब मैं सब कुछ टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ओह, इस चीज को कंट्रोल करना मुश्किल है। ओह, फ्यू, लगता है ये लगभग हो गया है। अरे वह कौन है? माफ करना अंकल बिल्डर, क्या यह आपका है? ओह हेलो ब्यूटीफुल। आप सब कुछ एक कटोरे में डालें और उसमें न्यूटेला मिलाएं। और अब मुझे एक और कूल गैजेट की जरूरत होगी, मेरी उंगली। सब कुछ मिलाए। बढ़िया, यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, क्या आप इसे चखना चाहती हैं? ठीक है, मैंने अभी तक इसे चाटा भी नहीं है। खैर, अब हमें डोनट मेकर में सब कुछ डालना होगा। मुझे लगता है यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ओ, मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, चलो यह सब साफ करो और अब मैं अपना डोनट्स बनाती हूँ। मेरा स्टोव पहले से ही गर्म है, इसलिए मैं इसमें डो डालती हूँ। शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे पास भव्य स्वादिष्ट डोनट है। बस इसे देखो, वे कितने स्वादिष्ट और जूसी है। लेकिन अभी और काम बाकी है। मुझे इसके ऊपर सोने से ढके मार्शमेलो को सजाना है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकलेगा। इस तरह यह अभी से ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मुझे अपने सैंडविच को चॉकलेट से ढके डोनट से ढकना है और फिर ऊपर से गोल्ड स्प्रिंकल्स। तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा है ना? आपका क्या चल रहा है? मेरे डोनट्स भी तैयार हैं। अब मैं अपने सुंदर डोनट्स को दिखाऊंगी। इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, बस पाउडर चीनी और बस। यह कैसी महक है? ब्रायन, क्या वहाँ कुछ जल रहा है? हाँ, मेरे डोनट ज्यादा पक गए हैं। वे इतने काले हैं क्योंकि वे जल गए हैं या फिर वो ओरियो से बने हैं। चलो अब इस पर पिघले हुए मार्शमेलो लगाएं और अब मैं इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि वे जले हुए ना दिखे। दादी, बहन केटी से जरूर बहुत पसंद करेगी। और अब मेरे फेवरेट माल्टीसर्स, चलो इसे चक्कर बताओ। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे ये चाहिए, मैं इसे खाती हूँ। मेरे मुँह में क्या है? ये बहुत सोना है, मुझे वो पसंद नहीं है। और यह क्या है? वाह, कितना प्यारा डोनट, मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ क्या है? वाह, ये डोनट्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और यहाँ मेरे फेवरेट कैंडीज भी है, ये जरूर बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसका स्वाद कैसा है? अद्भुत, मेरा भाई विनर है। ये मैं जीत गया, मैंने सबसे स्वादिष्ट डोनट्स बनाए। और अब मुझे वफल चाहिए। मेरी पोती स्वादिष्ट वफल चाहती है। ये तो बहुत ही आसान है। चलो सबसे पहले इसका डो बनाते हैं। मुझे थोड़ा आटा चाहिए और फिर इसमें अंडे मिलाने की जरूरत है। और अब बटर का एक टुकड़ा, अब इसे एक बाउल में डाले। ओह, बटर का टुकड़ा गलत जगह पर कहीं चला गया है। ओह धन्यवाद शेफ। और अब थोड़ी चीनी और दूध। वाह, कितना स्वादिष्ट ताजा दूध। और अब हम सब कुछ मिलाते हैं। दादी, आप सब तरफ बिखरा रही हो, इसे रोको। ठीक है, माफ करो। और मुझे स्कीटल्स चाहिए। मैं अद्भुत स्कीटल्स कैंडी वफल बनाने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वफल बनाने नहीं आता। ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे बैग में कहीं नूडल्स थे। ओह, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ये एक हफ्ते पहले खो गया था। और यहाँ मेरे स्वादिष्ट नूडल्स हैं। अब मैं इसे एक वफल बनाने जा रहा हूँ। बस इसे वफल मेकर में डालना है और हमारा काम हो गया। थोड़ा केचप जोड़े, मुझे लगता है कि यह चेहरा केट को हंसाएगा। मेरा सब तैयार है और मेरा वफल भी तैयार है। उसे बाहर निकाल कर एक के ऊपर एक रख देती हूँ और ऊपर से मैपल सिरप। यह स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे स्ट्रॉबेरी सिरप चाहिए। दिल के आकार के ग्लास में इसे डालेंगे। और यहाँ स्किटल से बना मेरा वफल है, इसे यहाँ लगा देती हूँ और यह तैयार है। केट, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। वाह, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं और यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है?
वाओ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप, कूल। और यहाँ क्या है? वाओ, ये वॉफल पक्का दादी ने बनाए होंगे। ये पहली बार नहीं है जब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ओह, मैंने बहुत सारे वॉफल खा लिए, लेकिन अभी भी भाई का वॉफल बचा है, मुझे ट्राई करना चाहिए। वाओ, ये मीठा नहीं है, ये नूडल्स है और केचप के साथ। ये स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन शेफ विनर है। वाओ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी, मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। अब मुझे एक लिक्विड कोक कैंडी चाहिए। ओके, यह एकदम आसान है। अब चलो कुछ बढ़िया बनाते हैं। मुझे कोका कोला की खाली बोतल चाहिए। यह मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे किया। अब मुझे माफ करना। अब बोतल में कॉर्न सिरप डालना होगा, बस इस तरह से। हमें यह बहुत ज्यादा चाहिए। वाह, अब कुछ नट कैंडीज। आपने देखा दादी? वाह। और अब ओ, कुछ गलत हो गया है, मेरा हाथ अटक गया है। अरे छोड़ो, आउच, अब मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा। लेकिन मैंने कैंडी को मिला लिया और अब इसे जमाना है। इसे जमाकर ठोस करना है ताकि कैंडी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो। हाँ दादी, आपका क्या कहना है? है ना ये अच्छा? तुम्हारे कैंडी हेल्दी नहीं है, इसे कोला से नहीं बल्कि शहद से बनाना बेहतर है। शेफ, तुम क्या करोगी? मेरे पास एक शानदार आइडिया है, यह रेसिपी बेबी को जरूर पसंद आएगा। हमें बस एक फ्राइंग पैन में कोला डालना होगा, कोका कोला के साथ बहुत सारे गमीज डालने होंगे और इसे मिक्स करना है। और मेरी कैंडी तैयार है। ओह, यह कितना ठंडा है। ओह, मेरे हाथ जम गए, बहुत ठंडा है। और मुझे बस एक कटोरी बर्फ चाहिए। यहाँ कुछ लिक्विड नाइट्रोजन डालना होगा, यह निश्चित रूप से बर्फ के प्रभाव को बढ़ाएगा और मैं अपनी कैंडी को बहुत तेजी से फ्रीज कर पाऊंगी। बढ़िया, अब पैन की सामग्री को एक बोतल में डालें और इसे बर्फ के साथ एक कटोरी में डाल सकते हैं। जरा देखिए कि केमिस्ट्री क्या कर रही है। वाह बढ़िया, बोतल तुरंत जम गई। दादी, इसे मत छुओ। क्या आप अपना हाथ बर्फ में बदलना चाहती हैं? अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह, यह सब तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं अभी टेडी बियर की बोतल को ट्राई करने जा रही हूँ, ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। वाह, ये शहद है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह, ये कितना ठंडा है, ये ठंडा है, ठंडा। ओह ओह ओह, तो हमें कुछ करना होगा। हाँ, यह बेहतर है। तो मैं कैंडी को वहाँ से कैसे निकालूं? चलो बाहर निकल जाओ। ओह ओह, यह काम किया। यह स्वादिष्ट है। और मेरे भाई ने क्या किया है? यह अच्छा लग रहा है। वाओ, कितना अच्छा, मुझे वास्तव में यह कैंडी पसंद है। वाओ, बहुत अच्छा, भाई जीत रहा है। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं बेस्ट हूँ। वाओ, हाँ तो ठीक है, अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। बस कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाओ। शेफ, आपको ये बहुत अच्छा करना होगा। ये दादी के लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन ब्रायन कुछ अलग करेगा। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, तो अब मुझे थोड़ा तेल डालना है। अरे निकलो। ओह, माफ करना। ओह दादी, दर्द होता है। तो अब हम कुछ अंडे तोड़ते हैं। ओह माफ करना दादी, मैं बस खाना पकाने में मग्न हो गया था। वाह, ये बुरा नहीं है। मुझे तुरंत ही कुछ खाने लायक बनाना होगा, नहीं तो ब्रायन के फ्राइड एग खाने के बाद हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। यहाँ देखिए कि आपको कैसे चाहिए। ब्रायन, तुम्हारा सब जल गया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैं लिक्विड मार्शमेलो से फ्राइड एग बनाऊंगा और एक पिच। अब ये आपकी तरह दिख रहा है ना? और मैं क्या करूँ? हाँ, कुछ ताज़ा सब्जियाँ और हर्ब्स डालना जरूरी है। आपके फ्राइड एग बहुत पुराने स्टाइल के दिख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि रेस्टोरेंट में फ्राइड एग कैसे बनाते हैं। यह क्लासिक आकार नहीं होगा, बल्कि उसका आकार। अरे, मेरा सांचा कहाँ है? ब्रायन, यह मेरा ड्रैगन है। काला डाई डालें और फ्राई करें। अब हम आंखें और आग बनाते हैं। बढ़िया, यह ड्रैगन इतना प्यारा बना है कि केट को यह जरूर पसंद आएगा। मैं प्लेट पर कुछ हरियाली जोड़ूंगी जहाँ मेरा ड्रैगन चरेगा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से किया है। आइए देखिए कि केट का क्या कहना है। वाओ, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं यहाँ इस ड्रैगन को खाना चाहती हूँ। वाओ, कितना अच्छा है, यह स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाओ, टमाटर, मुझे ये पसंद है, स्वादिष्ट।
और अंडे के बारे में क्या? खैर यह साधारण है। ठीक है, और यहाँ क्या है? वाओ, ये पीच है। वो यहाँ क्या कर रहा है? योगर्ट। वाओ, मुझे ये मीठा फ्राइड एग बहुत पसंद आया। और भाई जीत रहा है, ये सच में अच्छा है। मैं प्लेट चाट कर खाऊंगी। बधाई हो भाई। वाह, मैं फिर से जीत गया। आज किस्मत मेरे साथ है। नमस्ते, यहाँ आपके पार्सल है, आप इसे ले सकते हैं। ओह धन्यवाद। चलो अब देखते हैं कि उन्होंने मेरे बॉक्स में क्या रखा है। ओह गुलाबी पोछा, बढ़िया है। यह निश्चित रूप से मुझे अपने फेवरेट घर से जालों को ग्लैमरस तरीके से हटाने में मदद करेंगे। ओह कितना विशाल मकड़ा है। डर के मारे कहीं मेरे सारे बाल ही सफेद ना हो जाए। ओह नहीं, ये कितना विशाल मकड़ा है। वाह, मेरा वैक्यूम क्लीनर सारे मकड़ों को अपने अंदर खींच लेगा। और मेरे लिए क्या है? या रबर के दस्ताने। अब मैं अपने सपनों के घर से कचरा साफ कर दूंगी। सबसे पहले जाले। बढ़िया, वाव किम। हाँ मुझे पता है कि मैं वाव हूँ। यह गुलाबी कालीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे घर के अस्तर के लिए इसकी जरूरत है। इसलिए मैं एक स्टेपलर पकड़ती हूँ और इस खूबसूरत नरम गुलाबी कालीन के साथ घर को ढकना शुरू करती हूँ। मुझे यह रंग बहुत पसंद है। खिड़कियों के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और यह दिल घर की छत पर अद्भुत लगेगा। सभी को पता चलना चाहिए कि सुंदर किम यहाँ रहती है। और अब मुझे बालों को थोड़ा ट्रिम करने की जरूरत है, लेकिन मेरे नहीं घर के। इसके लिए उसकी देखभाल की जरूरत है, जो मैं हमेशा सुंदर रहने के लिए अपनी करती हूँ। और मेरा मुलायम घर तैयार है। ओह लगता वो घर सजा रही है, मैं भी करूँगा। और मुझे इसके लिए नीली प्रिंगस की जरूरत होगी। आखिर मैं बचपन से ही इन चिप्स को खाता आया हूँ और साथ ही इन डब्बों को जमा करता आया हूँ। मुझे इस समय के लिए उनकी जरूरत थी। और यहाँ मेरे फेवरेट नीले गमी रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, ओरियो, मुझे ये कुकीज बहुत पसंद है। चलो इसे छत पर चिपका दे। वाह ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और एक झंडा तैयार। आउच मिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ओ मैं बलून फुला रही हूँ। ये पीले बलून मेरे घर को सजाने के लिए एकदम सही है। मुझे सभी बलून्स को फुलाना होगा ताकि एक घर के लिए काफी हो। और यह आखिरी वाला। ओह मैं थक गई हूँ। ओह मुझे आंखों के सामने तारे नजर आ रहे हैं। ओह मिया तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं अपने घर को सजाऊंगी, तो चलो नीचे से शुरू करें और ऊपर जाएं। ये पीले बलून मुझे लंबे सॉसेज की याद दिलाता है। हाँ ये बहुत फनी लगेगा। लग रहा है मेरा घर हवादार और रंगीन होगा और मेरा काम हो गया। वाव केले बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे और चाहिए। चलो एक गड्ढा खोद लिया और अंदर एक केला डाल दिया। बढ़िया, अब इसमें पानी डालेंगे और फिर थोड़ा इंतजार करेंगे। वाव मैंने कितना सुंदर पेड़ उगाया है। और यहाँ मेरे फेवरेट केले हैं। और यहाँ मुझे पक्का से अपने सन बेड की जरूरत होगी, जिस पर मैं आराम कर सकती हूँ। मैं अपने सिर को ढक लेती हूँ ताकि धूप न लगे। ओह केले, मुझे लगता है अगर मैं एक दो खा लूँ तो पड़ोसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं इधर मत आना। अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ जल्दी से सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओह हाँ मेरे पास एक कार है, लेकिन मैं इसे कहाँ रोल कर सकता हूँ? अब मैं एक विशाल रेसिंग स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। इसे यहाँ लगाया और इधर भी। वाव कितना अच्छा। यहाँ कार को और यह फोर। वाव कितनी तेजी से आ रहा है, कितना अच्छा। आह ये लड़के भी ना बस। खैर मेरे पास यहाँ कुछ और दिलचस्प चीजें हैं। यहाँ कुछ उपकरण और मेरे झूले के हिस्सों का एक छोटा सा सेट है, मुझे बस इकट्ठा करना है और मैं इसे कुछ ही समय में कर लूंगी। बस इस तरह से। वाओ मेरा गुलाबी झूला तैयार हो गया और मैं अपने यूनिकॉर्न के साथ यहाँ खेल सकती हूँ। बहुत बढ़िया, और यहाँ मेरा मेल बॉक्स एकदम सही रहेगा। वाओ मुझे भी एक मेल बॉक्स चाहिए। अक्सर मेरे फैंस मुझे लेटर भेजते हैं। मैं फूल को पेंट में डुबो कर मेल बॉक्स पर फूल प्रिंट कर दूंगी। कितना सुंदर है। वाओ कूल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे भी मेल बॉक्स चाहिए। हिप्पो बॉब से मिलो, यह मेरे मेल की रक्षा करेगा।
हेलो सभी को हेलो, मैं पोस्टमैन सैम हूँ और मैं तुम्हारी चिट्ठियाँ लाया हूँ। वाह, तुम्हारा मेल बॉक्स कितना अच्छा है मिस। यहाँ तुम्हारा लेटर है। ओह गुड आफ्टरनून मिस्टर डैन, मैं तुम्हारे लिए भी लेटर लेकर आया हूँ। दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कोई और मेल नहीं लाऊंगा। अपना मेल बॉक्स बदलो। और यहाँ कौन रहता है? वाह क्या खूबसूरती है। मैं ओ, 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 माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यह अजीब था। यहाँ आपका लेटर है मेरी मिस यूनिवर्स। धन्यवाद, मुझे जाना है, जल्दी मिलते हैं। इस कार से मैं बोर हो गया हूँ। हाँ मैंने अभी तक घर के अंदर कुछ नहीं किया है, मुझे जल्द ही अपने सपनों का घर बनाना है। ओह यह यहाँ कितना खाली है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा चाहिए। मैं दीवारों से शुरू करूँगा, दीवारों पर नीला रंग एकदम सही लगेगा। अब मैं सब कुछ पेंट करूँगा। ओह मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। अब आगे क्या करूँ? ओ हाँ बिल्कुल कालीन। ये सॉफ्ट पजल्स एक असली लड़के के कमरे में शानदार दिखेंगे, पर कुछ कमी है। यहाँ मेरे खिलौनों के साथ एक दीवार होगी और वे यह रहे। वाह अब मैं यहाँ सब कुछ लटका देता हूँ ताकि सभी जान जाए कि मैं कूल हूँ और मैं केवल कुछ खिलौनों के साथ खेलता हूँ। यो और ब्लू मैन हर चीज की रक्षा करने के लिए। और दीवारों पर मेरे कुछ पेंटिंग्स और क्रिस्टल्स, कभी भी खराब नहीं लगेगा। ओह और मुझे इस टेबल की भी जरूरत होगी। वाओ और इस पर रखने के लिए मेरे पास कुछ है। या मेरे हैमस्टर के लिए घर। मेरे छोटे हैमस्टर पीट से मिलो, वो मेरे साथ रहेगा। और यह बीन बैग मेरे लिए है। अब सब कुछ तैयार है, कूल। अब आराम कर सकते हैं और मेरे छोटे दोस्त के साथ मजा कर सकते हैं। वो मेरे गेम्स के लिए लकी होता है। मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। यह अद्भुत है। ओह मैं भी अपने कमरे को महल की तरह सजाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपना मैनिक्योर कर लेती हूँ। ओह ये गुलाबी नाखून किसी को भी दीवाना बना दे। और ये दीवारें इतनी सफेद क्यों है? ऐसे नहीं चलेगा, तुरंत इसे तुरंत गुलाबी रंग से पेंट करना होगा। चलो। वाह कितना प्यारा है, पूरे कमरे में दिल ड्रॉ कर दिया, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। वाह मेरा गुलाबी कमरा, लेकिन फर्श खाली है, अच्छा नहीं लग रहा है। गुलाबी कालीन अब चलन में है। और यहाँ कुछ दिल और एक सुंदर लाइट यहाँ अच्छी लगेगी। बढ़िया, मैं सभी के लिए प्यारे किसेस भेज रही हूँ। और मेरे पास यहाँ क्या है? यह सुपर लंबे हाथ पैर वाला गुलाबी जिराफ। मेरी ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पर। बहुत अच्छा। और यह टेबल यहाँ पर अच्छा है। मेरे पास अपना सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ एक आईने के साथ एक अच्छी टेबल होगी ताकि मैं हर दिन सुंदर दिख सकूं। ओह मेकअप को अपडेट करना जरूरी है। मैं चमक रही हूँ, मेरे बाल सबसे नरम है और एक अच्छा परफ्यूम सफलता की कुंजी है। अब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। ओह मेरा कमरा तैयार है, यह सबसे सुंदर है। ओह मैं तुम्हें इस घर की एक और सुंदर चीज से मिलवाना लगभग भूल गई। यह मेरी बिल्ली मार्टा है। ये सफेद दीवारें मुझे दुखी करती हैं। मुझे इसे तुरंत ठीक करना होगा। और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। पहले हम दीवारों को चमकदार और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए पीले रंग से रंग देते हैं। मैं पेंट डालती हूँ और इसे रोलर से मिलाती हूँ। मुझे दीवारों पर पेंट करना बहुत पसंद है। अब मैं सूरज ड्रॉ करूँगी। देखो यह कितना आसान था। और इसकी किरणें इस तरह से। वाओ चलो तुम पर भी पेंट लगा देती हूँ। और दीवार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फर्श खाली है। यहाँ पर बालू की जरूरत है। मुझे सी बीच की बालू बहुत पसंद है, ये बहुत नरम और गर्म है। हाँ थोड़ा और डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया। और दीवारों पर कुछ पोस्टर्स की भी जरूरत है। मेरे पास एक नाजुक फूल और एक फूल बत्तख है, यहाँ और यहाँ। वाओ और इस मेरे रैक को देखो। और मैं लगभग अपने फेवरेट दोस्त के बारे में भूल गई, एक डक सॉफ्ट टॉय।
यह सब कितना अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी। और मुझे एक टेबल की भी जरूरत है। मुझे एक छोटी कुर्सी भी चाहिए। यह पीला इन्फिलेटेबल सर्कल एकदम सही है। यह इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा गिटार बजाने का मन हो रहा है। हाँ, आपको यह कैसा लग रहा है? मैं बाद में एक म्यूजिक कंसर्ट करूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ छत पर फूल सही होंगे। और मेरे प्यारे पालतू जानवर की एक तस्वीर, ये बहुत प्यारा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। वैसे रिची खुद कहाँ है? रिची मेरे पास आओ। हेलो मेरे दोस्त, चलो खेलते हैं। तुम्हें खेलना पसंद है ना? आओ साथ में गाते हैं। बेबी अपनी ड्राइंग खत्म कर रही है। तुम क्या खाना चाहती हो? ओह, बेबी को पैनकेक्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या सभी तैयार है? ओ एनी, बैटर को ऐसे बर्बाद मत करो। वेंसडे तैयार है। और दादी, ओ दादी, क्या आप ठीक हो? चलिए शुरू करें। ओ तो मेरा बैटर तैयार है। मुझे पता था कि मुझे ब्रांडेड पैनकेक्स पकाना होगा। अब चलो एक टावर बनाते हैं और मेरी प्यारी पोती को खिलाते हैं। क्या कमाल की खुशबू है। वाह, तैयार। अब मैं इसमें कुछ मीठा डालूंगी ताकि बेबी को यह जरूर पसंद आए। चलो मेरा फेवरेट मैपल सिरप डाले और थोड़ा बटर। और मेरे पास रेनबो पैनकेक्स होंगे। और मेरे पास रेनबो के सभी रंगों का बैटर है। मैं रेनबो ड्रॉ करने के लिए और नहीं रुक सकती। ओह, ये क्या हो रहा है? ये क्यों निकल क्यों नहीं रहा है? हेलो, ओह, अरे नहीं, मैं बैटर से ढकी हुई हूँ। ओह ना, सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे अभी साफ कर लेती हूँ। और खाना बनाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पहला पैनकेक है। बढ़िया, एक यूनिकॉर्न के बिना कैसा रेनबो। बिल्कुल सही, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। दादी आप क्या कहती हैं? हुर्रे, मुझे अपनी काली डाई नहीं मिल रही है। वह यहाँ नहीं है। थिंक, ओह वो केवल यहाँ ही नहीं है बल्कि मेरी काली डाई लेकर आई है। धन्यवाद। चलो कुछ बूंदे गिराओ और तुम्हारा काम हो गया। अब मैं सिरिंज में बैटर ले लेती हूँ। इसे ड्रॉ करने में बहुत सुविधा होगी। अब मैं एक बहुत ही भयावह स्पाइडर वेब और स्पाइडर ड्रॉ कर रही हूँ। कितना प्यारा। बहुत अच्छा। जरा इस बकरी को देखो, प्लेट को ताजे खून से सजाए। ओ मतलब स्ट्रॉबेरी सिरप से। और इस पर वेब और मेरे प्यारे मकरियों को रखेंगे। एक मास्टरपीस। वाओ वेंसडे, ये डरावना निकला। ओ और स्वादिष्ट भी। हाँ, क्या सभी तैयार है? बेबी इसे ठंडा होने से पहले खाकर बताओ। हाँ, तो हमारे पास यहाँ क्या है? सब कुछ कितना सुंदर है। ओह क्या ये असली मकरियाँ है? ओ माँ, यह पैनकेक्स है। वेंसडे ने मुझे फिर से डराने का सोचा है। शायद ये दिखने में जैसा है उसे बेहतर स्वाद का होगा। स्पाइडर प्यारे होते हैं और खाने वाले स्पाइडर बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। स्वादिष्ट। आगे क्या है? ओ बहुत सारे पैनकेक सिरप के साथ। ये स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे जल्दी चखना चाहिए। स्वादिष्ट, मीठा, बहुत अच्छा। और आगे क्या है? वाओ, ये एक यूनिकॉर्न पैनकेक है और एक रेनबो। और ये यूनिकॉर्न पैनकेक सीधे उड़कर मेरे मुंह में आ जाएगा। अद्भुत। यस। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, यूनिकॉर्न पैनकेक विनर है। मुबारक हो, इनिट बधाई हो। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? ओके। मुझे बहुत भूख लगी है। बेबी चिंता मत करो, यहाँ बहुत अनुभवी लोग काम कर रहे हैं, है ना दादी? हाँ बिल्कुल, इसे वापस दो वेंसडे। अच्छा ठीक है, ले लो। ओह यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? मुझे पूरे छिलके से ढक दी हो। क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकती हो? ओह इनी, तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें मदद चाहिए? लाओ मैं मदद करती हूँ। चलो मैं इसे खींचती हूँ, देखो। धन्यवाद दादी। अब मैं इसे एक विशेष चाकू से काटने जा रही हूँ। देखो कितने सुंदर आलू है। खड़ली, हाँ मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। मैं रंगीन फ्राइज बनाना चाहती हूँ, है ना यह अच्छा? मैं सुंदर रेनबो फ्राइज बनाने जा रही हूँ, जैसा बेबी ने पहले कभी नहीं देखा होगा।
तैयार। और अब ज्यादा काम नहीं बचा है, एक फ्राइंग पैन में इसे फ्राई करना है। मेरे पास एक फ्राइंग पैन है, तेल और स्टोव है। मैं इसे फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई करती हूँ। बढ़िया, यह इतना आसान है कि मैं शेफ बनने के बारे में सोच रही हूँ। क्या मुझे शेफ हैट मिलेगी? तो मेरा फ्राइज तैयार है। इनेट, तुम बहुत अच्छी हो, यह बहुत बढ़िया बना है। मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। मैंने साधारण आलू बनाए हैं, रंगीन नहीं, पर ये बहुत स्वादिष्ट है और क्रिस्पी भी। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। चलो कुछ केचप डालें। यहाँ बहुत स्वादिष्ट। और मेरे फ्राइज तैयार हो चुके हैं। हम इसे निकाल सकते हैं और हम इसे पेंट करेंगे। ओह, मैं थोड़ी गंदी हो गई हूँ। बेशक काला मुझे सूट करता है, लेकिन मैं अभी एक नए स्टाइल के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं आलू को काले रंग में रंगना चाहती थी, खुद को नहीं। मेरे गर्म आलू तैयार है। अब इसे केवल फाइनल टच देना बचा है। वाह, तुमने सोचा नहीं होगा कि ये केवल आलू नहीं बल्कि उसके पंजे होंगे। बेबी, फ्राइज तैयार है, चलो चक्कर बताओ। वाह, कितने खूबसूरत फ्राइज है। और व्यंजन ने मुझे फिर से डराने का फैसला किया, लेकिन मैं अब और नहीं डरूंगी। ये सिर्फ फ्राइज है। वाह, सुपर स्वादिष्ट, मैं रुक नहीं सकती। और यहाँ क्या है? ओह, तो यह केचप के साथ सामान्य फ्राइज है, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। बहुत 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 स्वादिष्ट। बहुत ही ज्यादा अच्छा है यह। लेकिन यह तुरंत अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। यह रेनबो फ्राइज है। इसके तो मैंने केवल सपने देखे हैं। मेरे दांतों में रंग लग गया है, मेरा पेट भर गया है और रेनबो फ्राइज जीत रहा है। वाह इनी, तुम फिर से जीत गई, मुबारक हो। बेबी ने ड्राइंग खत्म कर लिया है। इस बार क्या है? वो एक बर्गर चाहती है। वाह, क्या सभी तैयार है? मैं ऐसा बर्गर बनाऊंगी जैसा बेबी ने कभी नहीं खाया होगा। सबसे पहले मैं बंस को सेकूंगी, फिर टमाटर जिसे रिंग्स में कटा हुआ होना जरूरी है, और कीमा मीट। अच्छे कीमा से कटलेट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, चलो पहले इसे गोल बनाती हूँ और फिर पैन में डालकर सेकती हूँ। और फिर सलाद के पत्ते, रसदार कटलेट, चीज, टमाटर और एक बन के साथ सब कुछ कवर करती हूँ। ओह, मेरा सब तैयार हो गया। ओह चलो इनी, ये एक साधारण सैंडविच है, मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। तू, मेरे पास भी एक आइडिया है। ये बंस मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं। मैं कुछ स्वादिष्ट ले लेती हूँ। डोनट, मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगी, मीठा। मेरे बर्गर में एक खास बात होगी कि वह बहुत मीठा होगा। बच्चा सब कुछ खट्टा, मीठा और स्वादिष्ट पसंद करते हैं। मैं यही करूंगी। कैंडी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, अब इसमें मार्शमेलो डालना बचा है। कितना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट और मीठा। मैं इस मीठे बम को खुद खाना चाहती हूँ। अब इसे ऊपर से ढक देती हूँ और यह तैयार। यहाँ मेरे काले बंस तैयार हैं। हम उस पर चीज डालेंगे, एक लाल मीट कटलेट। हमें अधिक चीज और अधिक खून की जरूरत है, यानी केचप की। हाँ, तो अब इसे ढक सकते हैं। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है, चिप्स मेरे लिए नहीं बल्कि बर्गर के लिए। वे मेरे मॉन्स्टर बर्गर के लिए एक बढ़िया जीप का काम करेंगे। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं खाएगी। तुम मेरे आइस लेना चाहती हो? अरे ये मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद थिंग, तुमने मुझे गमी आइस दिया, वे तुम्हें भी सूट करते हैं, लेकिन अभी मेरे बर्गर को इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरा बर्गर बहुत ही प्यारा बना है, चखने के लिए तैयार। सारे बर्गर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? ओ, मैं इस अजीब के साथ शुरू करूंगी, यह फनी है और बहुत स्वादिष्ट है।
और आगे क्या है? ओह हाँ, यह बर्गर जैसा मैंने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा लग रहा है। इसे जरूर अच्छा होना चाहिए। मैं इसे खाने जा रही हूँ। यह क्या प्याज? छी, नहीं मैं इसे अब नहीं खाऊंगी। दादी मैं प्याज नहीं खाती। तो यह क्या मीठा बर्गर है? इसे इनिड ने बनाया है। वाह, यह बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। मैं किसे चुनू और जीत जाती है? वेंसडे को। वाह, गमी आइस भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, बधाई हो। क्या तुम खुश हो रही हो? वाह, चलो वेंसडे, अपने सभी दांतों के साथ पूरा मुस्कुराओ। नहीं, खैर ठीक है, पर तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। मुझे कोको चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या सब तैयार है? मुझे आशा है सब कुछ स्वादिष्ट होगा। कौन शुरू करेगा? हाँ, अब मैं एक सॉस पैन में कोको और दूध मिलाने जा रही हूँ। यह सुपर स्वादिष्ट कोको होना चाहिए। चलो कुछ चॉकलेट मिलाएं। चॉकलेट ड्रिंक। तो मेरा कोको केवल एक मग में सर्व किया जाना चाहिए जिसमें मेरी पिक्चर हो। यह बेहतर है। सभी को पता चलना चाहिए कि यहाँ नंबर एक कौन है। दादी आप सच में बेस्ट हैं, लेकिन मेरा कोको भी कोई खराब नहीं होगा। मेरे पास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट है। अब मैं फ्राइंग पैन में कुछ चीनी डालूंगी। कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी दादी। ठीक है, और अब मुझे दूध की जरूरत है। मैं दूध खोलती हूँ। ओह चलो खुल जाओ। ओह मैंने इसे गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, इतना कोको के लिए काफी होगा। मैं इसे सिर्फ सफेद नहीं छोड़ सकती, मुझे थोड़ा नीला रंग चाहिए, आकाश की तरह। देखो कितना सुंदर है। पीली क्रीम काम आएगी। अब मैं इसमें स्वादिष्ट धारियां बनाऊंगी। चमकीले स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूलना है। चलो इसमें अपना कोको डालें। अच्छा है ना? मुझे तो लगता है यह कमाल का है। बेबी खुश हो जाएगी। और कैंडीज और डेकोरेशन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह बहुत बढ़िया। और यह स्ट्रॉ रेनबो के साथ। थिंग, क्या तुमने यह रंगों का पागलपन देखा है? मैं किसके बगल में काम कर रही हूँ? मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो कि मैं किस तरह का कोको बनाने जा रही हूँ। मैं अपने फेवरेट ग्लास में कोको डालूंगी। अब इसे सजाऊंगी, वर्म्स जोड़ूंगी और यह गमी कैंडी होंगे। हम ज्यादा डराएंगे नहीं। तैयार। अगर सभी तैयार हैं, तो बेबी तुम इसे चक्कर बताओ। क्या तुम तैयार हो? ओ हाँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह कोको बहुत रंगीन है। यह जरूर इनिड ने बनाया होगा। स्वादिष्ट। ओह, और यह मेरी प्यारी दादी है। दादी के कोको हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। वाओ, बहुत अच्छा। ओह, और यह फिर से वेंसडे का है, उसकी फेवरेट खोपड़ी। चलो इसे ट्राई करें। गमी कैंडी और कोको स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना है। मैं इसे चुनती हूँ। इनिड फिर से